रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सुमैया रुखसार एंड आई एम योर इस्लामियात ओरल टीचर। टुडे आवर इस्लामियात क्लास एंड आई एम योर इस्लामियात टीचर एंड टुडे आवर ऑनलाइन वीडियो सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट वीक जो हमने आपको क्लास दी थी उसमें मैडम ने आपको करवाया था हमारा दीन, जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा दीन। ठीक है गर्ल्स, तो हमारे दीन में मैडम ने आपको बताया था कि दीन किसे कहते हैं और दीन जो है उस पर हम कैसे चलते हैं और हमें किसने बताया है कि इस पर ऐसे चलते हैं और क्या क्या करना है और क्या नहीं करना और किसके करने से सवाब मिलता है और किसके करने से गुनाह मिलता है। ये मैडम ने आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था और मैडम ने आपको नर्सरी में भी बताया, नर्सरी में भी आप टॉपिक कर चुके हैं, सिर्फ नेम चेंज था, हमारा मजहब था यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारा दीन है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि दीन उसको कहते हैं कि जिसमें हम अल्लाह ताला की बातें माने, जैसे हमारे हम अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि नमाज़ पढ़ें और फिर हमें नमाज़ पढ़ना किससे बताया, हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह ताला ने जो नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है वो आपने इस तरीके से पढ़नी है और इतने टाइम दिन में पढ़नी है। ठीक है, तो हमें जो हुक्म है वो अल्लाह ताला ने दिया है और उस पर चलने के जो तरीके हैं वो हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बताए हैं। ठीक है गर्ल्स, तो ये क्या है, ये हमारा दीन है। ठीक है, इसमें हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह ताला कौन सी बातों से नाराज़ होकर गुनाह देते हैं और कौन सी बातों से खुश होकर सवाब देते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि झूठ बोलने पर अल्लाह ताला नाराज़ होकर गुनाह देते हैं और सच बोलने पर अल्लाह ताला खुश होकर सवाब देते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है कि रोज़ा रखना है, तो हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया कि रोज़ा इस टाइम से इस टाइम तक रखना है और जो है रोज़ा रखने से अल्लाह ताला खुश होकर सवाब देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बताई है। ठीक है, और किन को बताई है, मुसलमानों को बताई है कि मुसलमानों पे नमाज़ फ़र्ज़ है। हिंदू तो नमाज़ नहीं पढ़ते ना, रोज़ा जो है वो मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, वो हिंदू तो नहीं रखते ना। इसी तरह से जो है वो हज जो है वो जब हम खाना काबा जाते हैं, अल्लाह ताला के घर जाते हैं, तो वो कौन लोग जाते हैं, वो हिंदू जाते हैं? नो, वो तो मुस्लिम जाते हैं ना, मुसलमान जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज भी जो है वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है। ठीक है गर्ल्स, तो ये सारी बातें हमें दीन में बताई जा रही हैं कि आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है, आपने रोज़ा रखना है, आपने जो है वो लोगों की हेल्प करनी है, अपने छोटे जो हैं, छोटे जो सिस्टर्स हैं, जो ब्रदर्स हैं, उनसे प्यार से बात करनी है, उनको बताना है कि किस तरह क्या काम करना है, और जो बड़े हैं उनकी बात माननी है, उनकी जो है वो खिदमत करनी है, वो जो बड़े हैं उनकी आपने हेल्प करनी है। जैसे आप मामा के साथ इफ्तारी बनाने में हेल्प करती हैं ना, तो इसी तरह से आपने जो है वो बड़ों की हेल्प करनी है और छोटों से प्यार करना है। ठीक है, तो ये बातें हमें किससे बताई, हमें खुद ही बताएं? नो, ये तो हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। आप लोगों ने ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसे अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ स्माइल करके मिलना है, लोगों के साथ हंस के मिलना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ बुरी बात नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं कहना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे जो है वो बंदा जो है वो हर्ट हो जाएगा ना, तो फिर उस पर जब बंदा हर्ट हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना ना, हमें तो अल्लाह ताला को खुश करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे अच्छे से बात करेंगे, स्माइल करके बात करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे, और अगर अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इतनी इस्तेआदत दी तो हम हज पे भी जाएंगे और जो है वो हम ज़कात भी देते हैं हर साल। ठीक है गर्ल्स, तो ये जो है इस्लाम के 5 अरकान हैं, कौन कौन से, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है, ये सारे जो हैं, और तौहीद। ठीक है, ये 5 जो है ना, ये इस्लाम के अरकान हैं, मतलब बुनियाद हैं, बेस हैं।
जैसे एक घर है तो उसकी जो बेस है वो क्या है, वो बेसमेंट है ना, बेसमेंट से घर स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो स्कूल भी है ये बेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके ऊपर जो है और बिल्डिंग्स है ना। तो इसी तरह से सेम इसी तरह से इस्लाम में भी सबसे पहले जो बेस है, जो बेसमेंट है वो क्या है, वो तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हैं। फिर उसके बाद ऊपर जो है वो झूठ नहीं बोलना और अच्छे काम करने और ये सारी चीज़ें जो फिर इसके बाद आती हैं। ठीक है गर्ल्स, तो ये मैडम ने आपको बताया। आज अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, मैडम ने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे पेज नंबर 4 पे। हमारा दीन नंबर 1 है, हमारे दीन का क्या नाम है? हमारे दीन का नाम इस्लाम है। दीन इस्लाम के मानने वालों को क्या कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। ठीक है मैडम ने आपको ये 2 क्वेश्चंस करवाए थे। अब मैडम आपको आगे करवाएंगी हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? हमारा दीन हमें नेकी और भलाई सिखाता है। हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? हमारा दीन हमें नेकी और भलाई सिखाता है। अच्छा, नेकी और भलाई किसे कहते हैं आप लोगों को पता है गर्ल्स? नहीं पता ना, मैडम आपको बताती हैं। नेकी और भलाई से कहते हैं कि मतलब अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने किसी के पास खाना नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसकी हेल्प करनी है, आपने उसकी हेल्प करनी है और जो है उसको खाना देना है। ठीक है, चाहे आप खाना देते हैं या चाहे आप उसको कैश पेमेंट देते हैं, उस तरह उसकी हेल्प करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने उसकी जब हेल्प कर ली है तो इसको क्या कहेंगे? इसको नेकी कहेंगे। ठीक है, इसको नेकी और भलाई कहेंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरी मैं आपको दूँगी, जैसे हमने सहरी बनाई है, ठीक है, तो सहरी जो हमने बनाई है, हमारे मामा ने जो सहरी बनाई है, तो उससे जितने लोग सहरी करेंगे और फिर रोज़ा रखेंगे तो वो तो मामा को सवाब मिलेगा ना, क्योंकि मामा ने तो रोज़ेदारों के लिए जो है वो काम किया ना, तो मामा को सवाब भी मिलेगा। फिर मामा अफ्तारी भी बनाएंगी तो फिर मामा को और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो ये क्यों मिलेगा? क्योंकि मामा जो है वो नेकी कर रही है। ठीक है, मामा अपना काम भी कर रही हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ये नेकी है, और नेकी के बदले क्या मिलता है? सवाब मिलता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं। और जब अल्लाह ताला खुश होकर सवाब देते हैं तो वो मुसलमानों को कहाँ भेजते हैं? वो मुसलमानों को मरने के बाद जन्नत में भेजते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी के साथ नेकी और भलाई करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कहाँ भेजेंगे? तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजेंगे। ठीक है गर्ल्स, तो ये जो है ये क्या है, ये हमारी जो आज का लेक्चर था, हमारा जो आज का टॉपिक था कि जो है हमारे 3 क्वेश्चन मैडम ने आपको फिर से करवा दिए कि हमारे दीन का क्या नाम है, हमारे दीन का नाम इस्लाम है, दीन इस्लाम के मानने वालों को क्या कहते हैं, दीन इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं, और हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, हमारा दीन हमें नेकी और भलाई सिखाता है। मैडम ने आपको ये 3 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अच्छा, ये आपका जो है वो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब मैडम आपको आज जो है एक अच्छी बात बताएंगी, जो कि आपने ख़ुद भी उस पर अमल करना है और दूसरों को भी बताना है कि आप भी ऐसे करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने इफ्तारी बनाई है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इफ्तारी को पड़ोसियों के घर भी देना है। ठीक है, मतलब इधर जो पड़ोसी हैं उनको दे दें एक दिन, फिर दूसरे दिन इधर वाले पड़ोसियों को दे दें। तो आपने एक दिन इधर वाले पड़ोसियों को दे दी, ये भी आपकी जो है वो अच्छा काम हो गया, अच्छी बात हो गई, नेकी हो गई। फिर दूसरे दिन आप लोगों ने इधर वाले पड़ोसियों को दे दी तो वो भी आपकी नेकी हो गई और वो भी आपकी अच्छी बात हो गई। तो ये क्या होता है, ये फिर आपको सवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो ये आज की अच्छी बात है कि आप लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के साथ जो है वो शेयरिंग करनी चाहिए, अपनी चीज़ों की शेयरिंग करनी चाहिए। ठीक है, अपनी चीज़ों को बांट के खाना चाहिए, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।